बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूँ इस वक्त अलकादर यूनिवर्सिटी में। पिछले एक साल पहले इमरान ख़ान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने क्रिएट की आउट ऑफ नोवेयर। अगर आप इस वक्त देखें दाएं बाएं तो एक ये बैरन एरिया है जो जीटी रोड के पास है, जिसके ऊपर ये बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जिसमें इनकी एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, साथ हॉस्टल है, प्लेइंग एरिया है। और इसमें एक बड़ी यूनिकनेस है इस यूनिवर्सिटी जो कॉन्सेप्ट है, ये मर्जर है जो हमारा इस्लामिक जो एजुकेशन है और जो मॉडर्न एजुकेशन है। तो इसमें दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक इस्लामिक स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है, एक मैनेजमेंट साइंसेस का डिपार्टमेंट है। ये पिछले साल शुरू हुए थे। पहला बैच जो था वो बिल्कुल जो है सब स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप था, रिहाइश तमाम और क़याम सब फ्री थी। इस दफ़ा जो है वो फार्मूला ये था कि जो अफोर्डिंग स्टूडेंट्स हैं उनको उन्होंने ऑप्शन दी है, जो कि मेरा ख्याल है 15 से 20% हैं, बाकी 80% स्कॉलरशिप पे है। ये जो इलाका है जिसमें ये यूनिवर्सिटी आबाद की गई है, इसको इस यूनिवर्सिटी ने 4 चांद लगा लिए और ज़िंदगी सारी की सारी बदल गई। और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ क्योंकि इस एरिया में सारा का सारा जो है कहीं पे भी मोबाइल फ़ोन की सर्विस भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने टावर लगाया जिससे जो है यूफोन का और वारद के कनेक्टिविटी यहाँ पे है, जिसकी वजह से आप बच्चे सारे इंटरनेट जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं या रिसर्च कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट इमरान ख़ान साहब ने इंट्रोड्यूस किया है। ये एक ब्रिज होगा बिटवीन दी इस्लामिक नॉलेज एंड दी मॉडर्न नॉलेज होगा, और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही है आइंदा मुस्तकबिल में। और बहुत जल्द ये HECC से एफिलिएट हो जाएगी, और बाकी मैं आपको साथ साथ लेके दिखाता रहूँगा जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं, यानी कि जो इनकी लाइब्रेरी है, उसके बाद जो कंप्यूटर्स जो है उनकी टेक्नोलॉजी लैब है, जो उनके क्लासरूम्स हैं। सो इट्स अ को एजुकेशन, ख़वातीन और बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान के हर शहर से ये बच्चे आए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन इमरान ख़ान साहब की नहीं हो सकती जो कि तालीम के मैदान में उन्होंने ये किया है, क्यों हमारा जो मुस्लिम नॉलेज है वो जनरली उसको इस तरह कनेक्ट नहीं किया जाता मॉडर्न नॉलेज के साथ, जिस तरह के यहाँ पर किया जा रहा है। प्रस्पेक्टिव है वो प्रस्पेक्टिव जो कि नॉलेज जो है जिसको मॉडर्न तरीके से समझा जाए इस्लाम को, जो कि एक्चुअल प्रोग्रेसिव रिलीजन है जो अल्लाह मियां ने बनाया है इस दीन को, तो वो दीन तो सारी ज़िंदगी उम्र